नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं हिलसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद हैं, साथ साथ हिलसा नगर परिषद के उप चेयरमैन भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे जानेंगे कि नगर परिषद का अब चुनाव हो रहा है और डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट चुनाव कर दिया गया है, जिससे खरीद फरोख्त की समस्या खत्म हुआ है। आम जनता जब चुनाव करेंगे तो विकास की अच्छा माहौल बनेगा और मुख्य पार्षद के लड़ाई में मुख्य पार्षद का चुनाव हो रहा है। इस बार चर्चा में है कि आप भी शायद मुख्य पार्षद का दावेदारी हाँ, बिल्कुल क्योंकि ऑलरेडी आप उप मुख पार्षद हैं रह चुके हैं, इसीलिए उप मुख पार्षद रह चुके हैं, इसीलिए मुख्य पार्षद के लिए दावेदारी में ठोके हुए हैं और चुनाव लड़ने की पूरी मंशा बना चुके हैं। और जब चुनाव अगर जनता लोग हमको जिता देते हैं तो मैं नगर परिषद हिलसा का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, जैसे पार्क बनाना। क्या पार्क बनाना, इसके अलावा और भी क्या चीज़? हिलसा बस स्टैंड बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि आवागमन की बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा का मैंने समस्या बढ़ जाने के कारण पब्लिक का भी समस्या बढ़ जाता है, इसीलिए हम बस स्टैंड को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, मोटरसाइकिल वगैरह का भी पार्किंग करेंगे और बाकी जिसे 7 निश्चय योजना है तो वार्ड में हर वार्ड में जाता ही है, विशेष योजनाएं लाएंगे, सचिवालय से लाएंगे, संघर्ष करेंगे और अच्छा विकास 600 वार्ड में करेंगे, जो मैंने एक चिन्हित के रूप में देखा जा सकता है। सुना जा रहा है कि इन दिनों जो बस का पड़ाव है हिलसा बाहर, अब रखा जाएगा, हिलसा शहरों में नहीं होगा। अगर ये नियोजित किया जा रहा है कि बस स्टैंड को शहर से बाहर रखना है, जो वार्ड नंबर 4 में जगह है भी और आप ही का वार्ड भी है, हाँ, वार्ड नंबर 4 में अगर वह बस स्टैंड बन के तैयार हो जाए तो आवागमन की समस्या खत्म हो जाएगा, जो जाम लग जाता है वो सब समाप्त हो जाएगा। यानी इस बार जनता डायरेक्ट वोट देगी तो कहीं ना कहीं फायदा होगा कि हिलसा का विकास ज़्यादा होगा। डायरेक्ट वोट देने से जो चेयरमैन बनेंगे वे 600 वार्ड का ध्यान में रखेंगे। वार्ड नंबर 4 में सर क्या विकास किए हैं जिससे लोग आपको मुख्य पार्षद के लिए भी वोट दे करें? वार्ड नंबर 4 में वह देखने योग्य है कि नली गली का एक भी समस्या को मैं नहीं रहने दिया हूँ और जनता की जो भी कार्य आया उसको समय पर निष्पादन किया और जरूरत के आधार पर हम साथ रहे और यहाँ सरकार के द्वारा बिजली का भी तैयारी कर लगाया गया और शौचालय वगैरह का भी यहाँ निर्माण कराया गया है, अधिकतर चीज़ को विकास की ओर किया गया है। तो इस बार मुख्य पार्षद का चुनाव में आ रहे हैं आप? बिल्कुल, मुख्य पार्षद के चुनाव में आ रहा हूँ। लोगों से लगातार मिल रहे हैं, जनता मिल रहे हैं, चला रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप जनता के बीच में रहे हैं, उप मुख्य पार्षद में आप रह चुके हैं, तो आप हिलसा के सभी वार्डों में जाने का काम किए होंगे? एकदम, अभी सब वार्ड में गए भी हैं और मैं जाने का प्रयत्न में हूँ भी और जाऊँगा भी, घर घर प्रवेश करूँगा। तो जनता का क्या रुझान मिल रहा है अभी? तो हमारा जनता के रुझान में जो अति पिछड़े दलितों सब तरह से स्वर्ण हर जाति के तरफ से मेरा आवाज़ गूंज रहा है कि भाई आप मुख्य पार्षद में आएँ।